चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, राजनीतिक दिग्गज चुनावी अखाड़े में जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन चुनावी बिसात पर बिछे मोहरे किस करवट लेंगे यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बिहार की राजनीति के धुरंधर जल्दी जल्दी रंग भी बदलने लगे हैं, विभिन्न दलों के अंदर खाने में जोर तोड़ की नीतियां भी जल्दी जल्दी बदल रही हैं, यह किसी से छिपी नहीं है। ऐसी स्थिति में राजद सुप्रीमो लालू यादव की निकटता कांग्रेस से बढ़ने के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। कभी भूरा बाल साफ करने का एजेंडा चलाने वाले लालू यादव का कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्री बाबू की जयंती समारोह में जाना और स्वर्ण मुकुट से ताजपोशी होना भी राजनीतिक गलियारे में भूचाल पैदा करने लगा है। वहीं लालू प्रसाद यादव अपने पुराने रसूखदार आवाज में केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए विश्वास दिलाया कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वह बौखलाई हुई है। 15-15 लाख का झांसा देकर सबका अकाउंट बैंक में खुलवा दिया, इसके बाद पैसे गायब, ये झूठों की सरकार है, इसको भगाना ही होगा। गौरतलब है कि श्री बाबू के बहाने सभी के निशाने पर रहे नरेंद्र मोदी, अब देखना यह है कि लालू का बोलबाला कितना सर चढ़कर बोलता है। सौरभ भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी अमित शाह और आरएसएस का टुकड़ा साफ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रहे हैं, इसलिए छटपटाहट काफी छटपटाहट है यहाँ देश में, छापा छापा मारते रहता है, छापा मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है। अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को, यो जाने हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दीजिए कांग्रेस पार्टी से, हम कह तो ही बन जाओ, और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, शीर्षस्थ नेताओं को फोन किया कि अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को कि हम इनको क्लियर करिए, हम इनको बनाते हैं, हम राज्यसभा कोई राज्यसभा के एमपी के रूप में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ना कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए श्री बाबू बिहार के केसरी कहे जाने वाले प्रथम मुख्यमंत्री, देश में गरीबों के और दलितों के बीच में बहुत सारा मतभेद पैदा हो रहा था, उस समय उन्होंने पहल किया। श्री बाबू का अभिन्नतम रोल रहा है पटना, पूरे बिहार में, क्योंकि बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री के हैसियत से उस समय की जो राजकाल बिहार का था, हम बड़े लंबे योजना में चल रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने हर तरह का कार्य किया, चाहे वो बिहार के विकास में उद्योग का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात हो या दलितों को मजबूत करने की बात हो। इसीलिए बिहार के श्री बाबू प्रथम मुख्यमंत्री होते हुए भी एक दायित्व और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़, अपार भीड़ आश्रम में अखिलेश बाबू के अध्यक्षता में, और अखिलेश बाबू अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, उन्होंने ये बेड़ा कई वर्षों से उठाया और एक बहुत अच्छा पहल किया कि आश्रम में उन्होंने ये कार्यक्रम को रखा, और आश्रम इतनी बड़ी जगह है जहां 10,000 लोग एक साथ समाहित हो सकते हैं, और पूरे बिहार से केसरी जी की पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि करने पहुंचे कांग्रेसी। साथ ही साथ हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, भूतपूर्व केंद्रीय रेल मंत्री या बिहार के एकलौता, जो कहा जाए कि 49% बैकवर्डों को, वंचितों को बोलने का अधिकार लालू जी ने दिया, और वो पुष्पांजलि करने की अपनी चाहत रखी और आश्रम आए, अपनी बात बता गए कि हम
राहुल जी के साथ हैं, सोनिया जी के साथ हैं, अखिलेश बाबू को हम मजबूत करेंगे और बिहार में 2024 हम अलग जगह करके रहेंगे। हम साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं अखिलेश जी से और बिहार के साथ साथ केंद्रीय जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, संगठन 8 वर्षों से नहीं बना है बिहार प्रदेश का, 2024 से बन जाए तो और ज्यादा हम मजबूत हो सकते हैं। यही पुष्पांजलि और सदनाजी श्री बाबू के याद में कि आप संगठन पर ध्यान दीजिए, चूंकि 8 वर्षों से बिहार प्रदेश का संगठन नहीं बना है, इस पर भी ख्याल रखना होगा। नमस्कार, जय हिंद। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ। जगमोहन लाल शिवरत्न।